जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली होम डिपार्टमेंट ने JKSSB को पोस्टें रेफर की हैं, कांस्टेबल की 4022 पोस्टें रेफर की हैं और कहा है कि जल्दी से जल्दी इनको रिक्रूट करो। काफी अच्छा स्टेप है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का, हम इसका सराहना करते हैं। और एक और कुछ अच्छी और भी इसमें की गई है कि जो SPOs हैं, RRA जो एम्प्लॉई हैं गवर्नमेंट में लोग, उनको भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिली है 15% की। ये भी अच्छा स्टेप है क्योंकि RRA एम्प्लॉई लोग हैं, उनको इतना टाइम नहीं होता पढ़ने का, लेकिन उनको भी कोटा मिला, अच्छी बात है। उसके बाद जो वुमेन कोटा है वो मिला है 15% कोटा उनको मिला, वो भी अच्छी बात है। चलो मतलब वुमेन गवर्नमेंट को मतलब और बैकअप मिल जाता है। इसके अलावा एक्स जो सर्विसमैन उनको 4% कोटा मिला है और कुछ और कैटेगरीज भी हैं। हम कहना चाहते हैं कि VDG जिसको पहले हम VDC बोलते थे, उन लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब भूल गए हैं शायद ये। हम चाहते हैं कि उनको भी इस कोटा में रखा जाए। 4-5% की कोटे की डिमांड करते हैं हम लोग। हमारे कहने का मतलब ये कि VDC की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही है, खासकर 90s की अगर आप बात करो, 90s में VDC वालों को बहुत बड़ा सहयोग रहा है और पूरे जम्मू एंड कश्मीर में VDC है। तो अब हम हमारा एक ही चीज़ का मतलब डिमांड है कि 4-5% का कोटा इनको भी दिया जाए। इनकी बहुत बड़ी मतलब रोल रहा है मिटेंसी टाइप, और इस मसले को लेके हम ऑलरेडी जो चीफ सेक्रेटरी है जम्मू एंड कश्मीर के उनको मेमोरेंडम दिया है। इसके अलावा जो हमारे MP राणा साहब उनसे मिले, जुगिंदर सिंह राणा जी से उनसे मिले, वो जो श्री शर्मा जी हैं जिन्होंने VDC का मसला इतना बड़े लेवल पर सॉल्व किया था, उनसे हमारी बात चल रही है और आज शाम को शायद हम उनसे मिलेंगे भी, वो क्योंकि वो दिल्ली में है। तो कहने मतलब यही आपके माध्यम से हम यही प्रश्न बनाना चाहते हैं गवर्नमेंट पे कि अगर आपने इतना बड़ा इनिशिएट लिया, सबको आपने कोटा भी दिया, तो VDG कैसे रह गया? शायद आपसे कोई गलती हो गई होगी, हम मतलब ब्लेम नहीं करेंगे उस चीज़ पे, लेकिन हम चाहते हैं जो कमी रिक्रूटमेंट आने वाली है जम्मू एंड कश्मीर कांस्टेबल की, उसमें 4-5% का कोटा मिलना चाहिए VDG के लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी भी इन्वॉल्वमेंट या हेल्प रही है लोगों को बचाने के लिए और इनकी कंट्रीब्यूशन रही है सोसाइटी में। तो प्लीज़ हम ये कोटे की डिमांड करते हैं। थैंक यू। तो जैसे कि आपने कोटे की बात की, तो उसमें आपको क्या लगता है कि ये कोटा जो आप डिमांड कर रहे हैं, तो ये जब आप खटाना साहब से मिलने जाएंगे तो क्या लगता है कि जल्द से जल्द ये डिमांड जो है आपकी पूर्ण होगी? खटाना साहब से हम ऑलरेडी मिल गए हैं, तो उनको हमने सारी बात समझा भी दी है, तो उन्होंने काफी फेवर भी किया। चीफ सेक्रेटरी साहब से हम ऑलरेडी मेमोरेंडम दे चुके हैं और 28 तारीख की उनसे हमने अपॉइंटमेंट भी ले ली चीफ सेक्रेटरी साहब से भी। तो मसला सब बोल रहे हैं कि जनरल मसला, क्योंकि क्या है कि VDG वालों का इनको भी बैच नंबर जैसा एक सीरियल नंबर मिलता है, मतलब कहीं ना कहीं जैसे SPOs को पुलिस वालों को जैसे बैच नंबर मिलता है, वैसे सीरियल नंबर इनको भी मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस वाले भी काउंट होते हैं। और आपको एक जानकारी और दे दूं कि अभी रिजौरी में पीछे एनकाउंटर हुआ था, उस एनकाउंटर में बहुत बड़ी भूमिका रही थी VDG के लोगों की और उसमें मिलिटेंट मारा भी गया था। तो इसका मतलब है कि जो भी जो नॉर्मल SPO जो हमारी मेहनत करते हैं, जो पुलिस वाले मेहनत करते हैं, सेम मेहनत VDG वाले भी कर रहे हैं, तो इनको भी हम डिमांड करते हैं, इनको भी 4-5% का कोटा मिलना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आगे फ्यूचर के लिए नहीं, इसी रिक्रूटमेंट में ही मिलना चाहिए, इसी कमी रिक्रूटमेंट में मिलना चाहिए। तो अब हम तो हद का प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको पहले हम मीडिया वालों का बहुत एहसान मानते हैं, पिछली बार एक गवर्नमेंट थी वो सॉल्व हुई है। तो आप मतलब यही कहना चाहते हैं कि इस टॉपिक को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत अर्जेंट बेसिस पे जरूरी है, क्योंकि अगर ये एक बार इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई हुई है, हम चाहते हैं उससे पहले ये मसला सॉल्व हो जाए।